प्रिय छात्रों, 44वें क्लास का शेष भाग या दूसरा भाग आपके समक्ष है। किसी भी बीमारी का अध्ययन करने के लिए पांच चीज़ें आवश्यक होती हैं। इंट्रोडक्शन में मुख्य रूप से ये बताया जाता है कि ये बीमारी कहाँ से, इसकी ओरिजिन है, किस देश से ओरिजिन है और किस देश में ये बीमारी होती है, अपने देश में कहाँ कहाँ होती है, ये बातें बताई जाती हैं। मोटे तौर पर इससे कितना नुकसान है ये बताया जाता है। मैं पिछले क्लास में इस बारे में आपको बता चुका हूँ, थोड़ा सा सिम्टम भी बताया हूँ, थोड़ा सा स्टेज भी बताया हूँ, लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको बताऊँगा कि किन किन स्टेप्स में बीमारियों का अध्ययन आप करेंगे तो आपको बातें समझ में आएंगी। तो एक तो मैंने बताया इंट्रोडक्शन, इसमें ख़ास तौर से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बीमारी सर्वप्रथम किस कहाँ दिखी और फिर वह संसार के किस भागों में फैली और उसके बारे में थोड़ा सा परिचय दिया जाता है। इसके बाद आपको बताया जाता है कि आप खेत में बीमारी को कैसे पहचानेंगे, सिम्टम क्या होता है और सिम्टम के बाद जो टॉपिक होता है, टॉपिक वो होता है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी किसे कहते हैं, इसे आपको जानना है और फिर आपको बताया जाएगा डिसीज साइकिल। और इतनी बातों को जब आप जान जाइएगा उसके बाद में आप बीमारी का रोकथाम पढ़ेंगे या बीमारी का प्रबंधन पढ़ेंगे। तो इन चीज़ों में क्या क्या पढ़ना है पहले मैं आपको बताऊं, तो फिर इस बीमारी का सिम्टम आपको बताऊंगा, फिर इसकी इटियोलॉजी बताऊंगा, फिर डिसीज़ साइकिल बताऊंगा और फिर मैनेजमेंट बताऊंगा। और इसी पैटर्न पर यदि आपको ये अच्छा लगेगा मेरा क्लास, आगे आप कहेंगे तो इन्हीं हेडिंग्स के अंदर मैं अन्य बीमारियों को पढ़ाऊंगा। तो अन्य बीमारियों को जब पढ़ाऊंगा और आप इसे ठीक से पढ़े रहेंगे तो आपको बातें ठीक से समझ में आएंगी। तो मैं शुरू करता हूँ। छात्रों, इटियोलॉजी किसे कहते हैं, तो आप देखिए इटियोलॉजी स्टडी अबाउट कॉज ऑफ द डिसीज, बीमारी किन कारण से होता है इसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको इटियोलॉजी कहते हैं। अब इस इटियोलॉजी में तीन चीज़ें आती हैं, कॉजल ऑर्गेनिज्म, किस कारण से बीमारी होता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है। पिछले क्लास में आपको बता चुका हूँ कि बीमारियाँ तीन तरह की होती हैं, कॉजल ऑर्गेनिज्म के आधार पर, एनिमेट डिसीजेस जैविक कारणों से होने वाली बीमारियाँ, एनिमेट डिसीजेज अजैविक कारणों से होने वाली बीमारियाँ और वायरल डिसीजेस वायरस से होने वाली बीमारियाँ। तो इटियोलॉजी में सर्वप्रथम यदि वो जैविक रोग कारकों से होने वाली बीमारी है तो मैं पहले आपको उस रोग कारक का नाम बताऊंगा, वो द्विनाम पद्धति में होगा, जैसे ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ पैडी का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो पुराना नाम हेल्मिंथोस्पोरियम। छात्रों,
तो अदर ऑर्गेनिज्म कौन सा जीव है जो इसमें बीमारी पैदा करता है, ये आपको जानना है। मैं आपको अभी बताता हूँ। इसके बाद आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ द पैथोजन, वह जीव जो बीमारी पैदा करता है उसको हम पैथोजन कहते हैं, तो उस वो कैसा है। यदि आप पैथोजन को नहीं पहचानेंगे तो आप रोकथाम नहीं कर पाएंगे। कम से कम जो ये पैथोजन है, जो रोगकारक है, जो जीव है आपके पौधों में बीमारी पैदा करता है, तो इसको पहचानना ज़रूरी है। मान लीजिए आपके घर में कोई रोज चोरी कर रहा है और चोर को आप न पहचाने तो आप क्या कर सकते हैं। तो ये रोगकारक जो आपके पौधों में बीमारी पैदा करता है उसको पहचानना होगा। तो उसका कैसा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कैसे रंग का है, ये सारी बातें आप रोगकारक के बारे में जानेंगे, उसके आकार की के बारे में जानेंगे, जो इटियोलॉजी के अंदर ही पढ़ा जाएगा। और अंत में इस इटियोलॉजी में आप क्या पढ़ेंगे, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, जैसे मैंने आपको शुरू में डिसीज ट्राइंगल बताया था, रोग त्रिकोण बताया था, तो किसी भी बीमारी के होने के लिए रोग कारक का होना ज़रूरी है, होस्ट प्लांट का होना ज़रूरी है, और एक निश्चित सेट ऑफ एनवायरनमेंट की ज़रूरत है जिस वातावरण में रोग कारक आपके पौधे में बीमारी उत्पन्न कर सके। तो वातावरण का बहुत प्रभाव होता है। यदि उचित वातावरण मिलता है बीमारी के लिए तभी बीमारी होती है। तो ये भी आपको जानना होता है, इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ प्लांट डिसीज एंड डिटरमाइन वेदर दे बिकम एपिफाइटोटिक। वे कौन कौन से वातावरण के रोग कारक हैं जिनके रहने पर बीमारी बढ़ती है, लगती है, और किस वातावरण में वो महामारी उत्पन्न करती है। तो ये वातावरण के कारक मुख्य रूप से हैं तापक क्रम, जब फसल आप उगा रहे होते हैं उसे टेम्परेचर क्या है, RAH लिखा हुआ है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी से मतलब है आपेक्षिक आर्द्रता कितनी है, भूमि में नमी कितनी है, सॉयल का pH क्या है, भूमि का प्रकार क्या है और भूमि की उर्वरता कैसी है। ये तमाम वातावरण के फैक्टर्स हैं। आप जानते ही हैं कि वातावरण का दो फैक्टर होता है, दो भागों में बटा होता है, पौधा का कुछ भाग ऊपर होता है और पौधे का कुछ भाग नीचे होता है। तो भूमि के नीचे का भी वातावरण बीमारी को प्रभावित करता है और भूमि के ऊपर का भी वातावरण बीमारी को प्रभावित करता है। तो जितने भी वातावरण के कारक हैं वो बीमारी को बढ़ाने घटाने में उनका प्रभाव पड़ता है। यदि वातावरण बीमारी के बहुत अनुकूल हो जाता है तो बीमारी महामारी के रूप में लगती है, और वो भी तब जब जो आपका पौधा है वो रोगग्राही होता है तो बीमारी तेज़ी से लगती है। अब एक बात और जान लीजिए कि महामारी तब लगती है कि जब वातावरण बीमारी के अनुकूल हो। बीमारी के अनुकूल होने का ये मतलब है वातावरण ऐसा हो जबकि वो रोग कारक को बढ़ावा दे और पौधे में रोगरोधिता उत्पन्न करे, तो बीमारी महामारी के रूप में लगती है। तो वातावरण का बहुत ही प्रभाव होता है बीमारी के उत्पन्न होने में। जैसे आप एक मैं उदाहरण बताऊं, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की बीमारी जाड़े में होती है, जनवरी के आखिरी सप्ताह से लेकर फरवरी के प्रथम सप्ताह तक, तो उसमें विशेष प्रकार का वातावरण होता है और उसमें महामारी के रूप में बीमारी लग जाती है। तो आपको इटियोलॉजी के अंदर
काजल ऑर्गेनिज्म का नाम जानना होगा, वो किस तरह का होता है ये जानना होगा, और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह के वातावरण में बीमारी गंभीरता से लगती है ये जानना होगा। इसके बाद एक चीज़ आती है डिसीज साइकिल, रोग चक्र। किसान भाइयों, आप जब अपने फसल की बुआई की तैयारी करते हैं, भूमि की तैयारी करते हैं, बुआई करते हैं, आपका पौधा उगता है, अब उगने के बाद उस पर बीमारी दिखाई पड़ने लगती है, तो आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि यह रोग कारक कहाँ था, कैसे हमारे खेत में आ गया और बीमारी उत्पन्न कर दिया। तो पिछले क्लास में मैं बताया था आपको कि रोग कारक तीन जगहों पर रहते हैं, भूमि में रहते हैं, या तो बीज के साथ रहते हैं, या वातावरण में कहीं प्रकृति में रहते हैं और हवा द्वारा लाए जाते हैं। जब बीज में होते हैं तो उसे हम सीड बॉर्न डिसीज कहते हैं, जब सॉयल में रहता है, भूमि में पड़ा रहता है और बीमारी पैदा करता है तो उसे हम भूमि जनित रोग कहते हैं या भूमि जनित रोग कारक कहते हैं, और जब वो हवा द्वारा लाया जाता है कहीं बाहर से तो उसे हम एयर बॉर्न या वायुजनित बीमारी कहते हैं। तो डिसीज साइकिल किसे कहते हैं, तो आप लिख लीजिए प्लांट डिसीज साइकिल रिप्रेजेंट्स पैथोजन बायोलॉजी एज ए सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूडिंग डॉर्मेंसी रिप्रोडक्शन डिस्पर्सल एंड पैथोजेनेसिस। ये क्रम से डिसीज साइकिल के इवेंट्स हैं। मैं कहा डॉर्मेंसी, रोग कारक कहाँ सुसुप्तावस्था में पड़ा रहता है, फिर वो कहाँ प्रजनन करता है और फिर वो कैसे फैलता है और आपके पौधे पर बीमारी प्रारंभ करता है। अब एक टर्म है पैथोजेनेसिस, तो चेन ऑफ इवेंट्स इन डिसीज डेवलपमेंट इज कॉल्ड पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस वो क्रमागत विकास है बीमारी का, जिसे हम आपको बता चुके हैं फिर भी बता दे रहा हूँ। इनाकुलम होता है, इनाकुलेशन होता है, रिकॉग्निशन होता है, पेनिट्रेशन होता है, कॉलोनाइजेशन होता है और फिर केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उसके फलस्वरूप पौधे में बीमारी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जैसे ही लक्षण दिखाई पड़ते हैं आप कहते हैं कि पौधा मेरा संक्रमित हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। तो ये जितने टर्म्स मैंने आपको बताए, इनाकुलम, इनाकुलेशन, इनक्यूबेशन, रिकॉग्निशन, पेनिट्रेशन, कॉलोनाइजेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ सिम्टम, ये पैथोजेनेसिस के भाग हैं। तो किसी भी बीमारी के डिसीज साइकिल को जब तक आप नहीं समझेंगे कि बीमारी सीड बॉर्न है, सॉयल बॉर्न है, एयर बॉर्न है और ये कैसे हमारे पौधों तक पहुंचता है, कैसे फैलता है पौधे के अंदर और किस तरह का ये रिएक्शन, जैसे कि आपको मैंने बताया बीमारी के फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया पौधों पर दिखाई पड़ती है उसे हम रोग चिन्ह कहते हैं। तो किसी भी बीमारी को समझने के लिए ये बातें आवश्यक हैं। पहले तो उसका इंट्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद आप उसकी इटियोलॉजी समझें और डिसीज साइकिल समझें। इतना समझने के बाद आप बीमारी के रोकथाम के बारे में विचार कर सकते हैं। बिना इतना जाने आप बीमारी का रोकथाम नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ पैडी के सिम्टम और
काजर ऑर्गेनिज्म के बारे में बताऊंगा। छात्रों, ये फफूंद का नाम है ड्रेसलेरा ओराइजी। इसका पुराना नाम है हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी। यही फंगस लीफ स्पॉट पैडी में उत्पन्न करता है, जिसे ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ पैडी कहते हैं। और ये इसके इम्परफेक्ट स्टेज का नाम है। आप क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे, तो एक सब डिवीज़न ड्यूट्रोमाइकोटिना होता है, जिसको फंजाई इम्परफेक्ट आई कहते हैं। तो ये इम्परफेक्ट आई जो ड्यूट्रोमाइकोटिना के फंगस होते हैं, उनमें सामान्यतया लैंगिक प्रजनन नहीं होता है। वो माइकोलॉजिस्ट के सामने चैलेंजेस होते हैं, लेकिन इन फंगस में कभी कभी दिख जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये एसेक्सुअल स्टेज है फंगस का, ये है परफेक्ट स्टेज। ये एस्कोमाइकोटिना के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। ये दोनों सब डिवीज़न यदि इम्परफेक्ट स्टेज दिखता है तो ये केवल सब डिवीज़न ड्यूट्रोमाइकोटिना में क्लासिफाई किए जाते हैं। तो ये रोग कारक है इस बीमारी का, इसका नाम आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब मैं आपको कल थोड़े में बताया था बीमारी का रोग चिन्ह, आज आप डिटेल नोट कर लीजिए। आप बोरिंग आपको क्लास लग रहा होगा, चूँकि थोड़ा ये लंबा हो रहा है, क्योंकि आज आपको थोड़ा पहले से मुझको पढ़ाना पड़ा कि बीमारी के अध्ययन में क्या क्या ध्यान रखा जाता है। तो अब मैं आपको बता चुका हूँ, अब बीमारी के बारे में बता रहा हूँ। अब ये ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ पैडी आप खेत में कैसे पहचानेंगे? छात्रों, मैं बता रहा था कि रोग कारक जो है रोगी पादप अवशेष पर भी जीवित रहता है, खरपतवार पर जीवित रहता है और सीडलिंग के साथ रहता है। और ये बीमारी हवा के द्वारा, इसके बीजाणु हवा के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचते हैं और बीमारी को बढ़ाते हैं। बीमारी उन भूमियों में ज़्यादा लगती है जो कम उपजाऊ होते हैं और उनमें पोषक तत्वों की कमी होती है। छात्रों, अब थोड़ा सा फंगस के बारे में आप जान लें। फंगस की शारीरिक संरचना जो होती है वो इनकी काली वेलवेटी माइसिलियल मैट्स होते हैं, जो हाइफी के सीधे स्पोरोफोर्स के द्वारा दिखाई पड़ता है। हाइफी जो होती है इसमें बहुत अधिक शाखाएं होती हैं, इनमें एनास्टोमोसिस होती है। एनास्टोमोसिस बहुत दिखाई पड़ता है आपको। आपको मैं पिछले क्लास में एनास्टोमोसिस क्या होती है वो मैंने आपको बताया है, पिछला वीडियो देखिए। ये गाढ़े भूरे रंग के तैली इनका, यानी माइसीलियम का जो डायमीटर होता है 8 से 15 माइक्रॉन होता है। स्पोरोफोर जिस पर स्पोर बनते हैं उसे हम कोनिडियोफोर कहते हैं। इस पर कोनिडिया बनता है। कोनिडिया 35 से 170 सेंटीमीटर माइक्रॉन लंबा होता है, 11 से 17 माइक्रॉन चौड़ा होता है।
इसके कोनिडिया हल्के से मुड़े हुए होते हैं, ये बीच में थोड़ा चौड़े होते हैं और किनारे की तरफ थोड़ा पतले होते जाते हैं। ये अर्धचंद्राकार होता है। और परिपक्व कोनिडिया जो होती है वो भूरे रंग की होती है। फंगस का ग्रोथ मैं अभी बताया था, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। ये बीमारी तब ज़्यादा तेज़ी से फैलती है जब तापक्रम 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपेक्षिक आर्द्रता 80% से ऊपर होती है, और यदि आपके फसल में आपने नाइट्रोजनस खाद ज़्यादा दिया है तो बीमारी ज़्यादा लगेगी, और यदि बीमार पत्तियाँ ज़्यादा समय तक। छात्रों, मैं आपको अब रोग चक्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बीमारी सीड बॉर्न है, इसके संक्रमित बीज पड़े रहते हैं, और आप जब इस तरह की नर्सरी को उगाते हैं तो बीमारी तेज़ी से नर्सरी में ही फैल जाती है। फंगस कोलेटरल होस्ट पर भी दिखाई पड़ते हैं। छात्रों, आप जानते होंगे कि कोलेटरल होस्ट क्या होते हैं। जिस जाति का आपकी फसल होती है उसी जाति के, उसी जीनस के दूसरे जो पौधे घास के रूप में आपके खेतों में उगते हैं, आपके सराउंडिंग में रहते हैं, आपके फसल के न रहने पर भी उस पर भी ये रोगकारक या फंगस जीवित रहता है और आपके फसल तक वो पहुंचता है। फंगस आपके बीज के साथ भी पड़ा रहता है और ये 4 वर्षों तक आपके बीज के साथ जीवित रहता है, या अपने आप जो धान के पौधे उगे होते हैं उन पर रोगकारक रहता है। रोगी 5 घंटे तक, 8 से 24 घंटे तक यदि आपकी पत्ती नम रहेगी तो बीमारी अधिक तेज़ी से फैलेगी। छात्रों, अब मैं आपको, आप सब चीज़ जान गए, इस फंगस को आप पहचान लेंगे, वातावरण किस तरह का होगा तो बीमारी लगेगी। अब मैं आपको इस बीमारी के रोकथाम के लिए आपको उपाय बता रहा हूँ। जैसा कि आपको बताया, ये बीमारी सीड बॉर्न है, तो सीड बॉर्न है इसके लिए आप डिसीज फ्री सीड, रोग रहित बीज का इस्तेमाल करें, प्रयोग करें, और अपने खेत से अल्टरनेट और कोलेटरल होस्ट को हटाएं, यानी घास खरपतवार आप साफ रखें। रोगरोधी किस्मों की बुवाई करें, आप जब बीज खरीदने जाते हैं जिस एजेंसी पे जाते हैं उनसे पूछिए कि ये बीज जो है किन किन रोगों के लिए रोगरोधी है। यदि आपके क्षेत्र में ब्राउन स्पॉट और पैडी समस्या है तो आप उनसे विशेष तौर पर पूछें कि ब्राउन स्पॉट और पैडी के लिए रोगरोधी जात हमको दीजिए। और अपने खेत में उचित मात्रा में ही फर्टिलाइज़र डालें, सॉइल टेस्टिंग करा लें, और ये कौन सी खाद की अधिकता है, कौन सी खाद की कमी है, उस हिसाब से आप खाद दें। और यदि आपके खेत में नमी कम है तो उसे नम बनाने की व्यवस्था करें। बीमारी जो होती है उर्वरक भूमि में बहुत ही कम देखने को मिलती है, इसलिए आपकी भूमि उर्वरा होनी चाहिए।
और यदि आपके खेत में सिलिका की कमी है तो आप कैल्शियम सिलिकेट ज़रूर डालिए खेत में बुआई के पूर्व। और आपके पास सिंचाई की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। बीमारी ना लगे इसके लिए क्या करेंगे आप, बीज शोधन करेंगे। बीज शोधन के लिए 10 ग्राम सूडोमोनास फ्लोरोसेंस ले लेंगे और उससे आप बीज शोधन करेंगे। और 10 ग्राम में 2.5 किलोग्राम बीज डालें और इसे 30 मिनट तक घोल में रखें। 10 ग्राम सुडोमोनास फ्लोरोसेंस को 100 लीटर पानी में घोल लें। इसके अलावा कैप्टान अथवा थिरम का 2 ग्राम लें, उसे 1 किलोग्राम बीज का शोधन करें। बीज का शोधन आप एग्रोसान और सेरेसान 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम के बीज के दर से भी प्रयोग में ला सकते हैं। अब जैसा आपको मैंने बताया बीमारी बीज के द्वारा फैलती है, तो इसका आप गर्म जल उपचार भी कर सकते हैं। इसके लिए 53 से 54 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म जल में बीज को 10 से 12 मिनट तक रखें, आपका बीज रोग मुक्त हो जाएगा। और ऐसे बीज से आप नर्सरी उगाएं तो बीमारी नहीं लगेगी। अब मैं आपको कुछ रासायनिक उपाय बताने जा रहा हूँ, ठीक से नोट करें। बीज को कैप्टान अथवा थिरम से ट्रीट करें, 2 ग्राम दवा 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। मैंकोजेब 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके अथवा ईडीफेनफॉस 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल करके 2 से 3 बार 10 से 15 दिन के अंतर पर छिड़काव करें। छात्रों, दवा का छिड़काव दोपहर बाद ही करें, क्योंकि सवेरे के समय धान में फूल आते हैं, उस समय यदि आप छिड़काव करेंगे तो नुकसान होगा। इसलिए हमेशा दवा का छिड़काव दोपहर बाद ही करें तो अच्छा रहेगा। बीज शोधन के लिए सेरेसान 2.5 ग्राम 1 किलो सीड के बीज शोधन के लिए पर्याप्त होता है। और बीमारी के रोकथाम के लिए कॉपर फंजिसाइड्स का भी छिड़काव आप कर सकते हैं, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गया, बोर्डो मिक्सचर हो गया, इनका छिड़काव आप कर सकते हैं। ग्रीसी फ्लूविन, नेस्टीन, आरियोफंगीन ये एंटीबायोटिक हैं, इनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं सीड इन्फेक्शन को बचाने के लिए। इससे भी आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है किसान छात्रों कि आपको यह मेरा वीडियो बहुत ही उपयोगी लगा होगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ क्योंकि आपको इसमें एक बार मैंने फंडामेंटल चीज़ें बताई कि किसी बीमारी के अध्ययन के लिए क्या क्या अध्ययन करना होता है। अब अगली बीमारी जो पढ़ाएंगे उसमें इन तमाम चीज़ों का समावेश नहीं होगा, जो आज बताई गई है या इस पहले के क्लास में आपको जो बताया गया है उसके ठीक से पढ़ लें। जब आप उसे ठीक से पढ़ लेंगे तो अगला वीडियो आप जो मैं थोड़ा कम समय में बना दूंगा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन यह वीडियो और पिछले वीडियो जो मैंने बनाया है प्लांट पैथोलॉजी का, उसे आप ज़रूर देखें। और यदि कोई दिक्कत हो तो अपने कमेंट सेक्शन में लिखें, जैसे कि अगला वीडियो मैं बनाऊं तो आपके समस्या का निराकरण करते हुए बनाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने मेरा क्लास अटेंड किया। उम्मीद करता हूँ आप इसे ध्यान से देखेंगे और हमें ज़रूर बताएंगे कि आपको कहाँ दिक्कत हुई।